होंडा ऐसी कंपनी है जो कंफर्टेबल सेडान के लिए जानी जाती है, जो उनकी कारों से दिखाई भी देता है। इसीलिए होंडा की मिलता है। इस कार को आप मिनी होंडा सिटी भी कह सकते हैं, इसलिए स्पेस कंफर्ट के मामले में आप इस गाड़ी से ज़्यादा ही खुश रहेंगे। सेगमेंट में मिलने वाले स्पेस कंफर्ट की बात करें तो इस गाड़ी का कोई भी गाड़ी स्पेस कंफर्ट के मामले में इसका मुकाबला नहीं कर सकती। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करें। जो अगला पॉइंट है वो है इंजन। इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की अगर बात करो तो इसमें 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो 88 पीएस की पावर देता है 110 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इसका पेट्रोल इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ है, जो आपको माइलेज भी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है 18.6 kmpl की। और सेगमेंट में अगर बात करूँ तो एस्पायर का इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आपको मिलेगा, लेकिन डिजायर का इंजन इससे ज़्यादा आपको माइलेज भी क्लेम करता है। तो सेगमेंट में अगर बात करूँ तो ये सेगमेंट में अच्छा इंजन तो ज़रूर है पेट्रोल इंजन, बट सेगमेंट बेस्ट पेट्रोल इंजन नहीं कहा जा सकता। चलिए डीजल इंजन की बात कर लेते हैं। डीजल इसमें आपको 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 100 पीएस की पावर देता है 200 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। ये काफ़ी अच्छा माइलेज भी क्लेम करता है 24 kmpl का। इसका डीजल इंजन काफ़ी अच्छा पावर और माइलेज भी दोनों प्रोवाइड करता है, दोनों में काफ़ी अच्छा है। और सेगमेंट पर बात करूँ तो ये इसमें आपको एस्पायर का जो डीजल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा वो भी बेहतर मिल जाता है, सेम पावर और सेम टॉर्क प्रोवाइड करता है, बस उसमें आपको 15 न्यूटन मीटर टॉर्क थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन दोनों के इंजन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये इंजन वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल डीजल इंजन में से एक आप इसको कह सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें। जो अगला पॉइंट है वो है राइड एंड हैंडलिंग। देखिए दोस्तों, इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है थोड़ी सी नर्म दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सिटी के लिए बहुत बेहतरीन बन जाती है। सिटी में चलाने में आपको अच्छे खासे गड्ढे फील नहीं होते हैं, और नर्म होने की वजह से इसकी हैंडलिंग भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। सिटी के लिए तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मिलती है, हाईवे के लिए भी आप ठीक कह सकते हैं। लेकिन अगर इस आप यह सोचते हैं कि मैं एंथुजियास्ट हूँ या फिर फन टू ड्राइव हूँ या फिर मेरी स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी हो, तो उस इतनी उम्मीद आप इस गाड़ी से मत करिएगा। लेकिन अगर सेगमेंट में बात करूँ तो एस्पायर टिगोर की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है, इसीलिए हैंडलिंग में ठीक ठाक है, बस सेगमेंट बेस्ट नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते। जो अगला पॉइंट है वो है फीचर्स। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको जरूरत के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। 7 इंच के टच स्क्रीन मिल जाते हैं, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, कीलेस एंट्री, जैसे सभी फीचर्स आपको जरूरत के जितने भी फीचर्स होते हैं उसमें आपको कहीं से कोई भी कमी आपको नहीं मिलने वाली है, जो डेली लाइफ में आपके काम आते हैं। लेकिन वहीं अगर सेगमेंट में बात किया जाए तो ऑरा जो है उससे ज़्यादा अच्छा फीचर्स आपको ऑफर करती है, इसीलिए ये गाड़ी आपको ठीक ठाक फीचर देती है, बट सेगमेंट बेस्ट फीचर्स आपको नहीं प्रोवाइड करती। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करें। जो अगला पॉइंट है वो बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी है। अगर सेफ्टी की मैं बात करूँ तो सेगमेंट में सभी गाड़ियों के क्रैश टेस्ट हो चुके हैं, इस गाड़ी के भी हो चुके हैं। ये गाड़ी सेगमेंट में 4 स्टार की रेटिंग लाई है,
और जो रेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ रेटिंग है। इसी वे ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी भी प्रोवाइड आपको कर पाती है। लेकिन सेगमेंट में अगर बात करो तो इसके अलावा टिगोर ने भी 4 स्टार की रेटिंग लाई है, इसलिए अगर इसकी सेफ्टी में बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करती है सेगमेंट में। लेकिन अगर सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स ठीक ठाक मिल जाते हैं। डुअल एयरबैग, ABS, EBD, प्रीटेंशनर जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसकी के सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो सेगमेंट में आपको एस्पायर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी देती है, वो आपको 2 की जगह 6 एयरबैग ऑफर करती है। तो इसलिए सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करूँ तो ये सेगमेंट बेस्ट सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर नहीं करती है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ये गाड़ी आपके सभी जरूरतों के पैरामीटर पर खड़ी उतरती है कि नहीं। अगर ये गाड़ी खड़ी उतरती है तो ये गाड़ी आपके लिए ही बनी है, आप इसे जा करके ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।